चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 33 सेशन और सीआईटी का 17वां सेशन का और उसका ड्यूटी और सेल्फ सॉल्व करेंगे। आते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपका 10 को क्वेश्चन आ गया अगेन। अब देखिए इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है डेस्कटॉप पे क्या करना है, सेव करना है। तो हम आप लोग को बताए हुए ये डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, जनरल फीडबैक के नाम से हमें इसे क्या करना है, सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए यूज से पढ़िएगा, तो जाना है फाइल में जाना है और उसके बाद हमको जाना है सेव एज में जाना है और उसके बाद डेस्कटॉप ले लेना है। फिर यहाँ पे डेस्कटॉप ले लीजिए, जनरल फीडबैक के नाम से ऑलरेडी है और इसे क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे सेव कीजिएगा आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद क्या करें, सबमिट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा। ये सही का निशान लग जाएगा, इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है सही बना है। अगर टिक का निशान नहीं लगेगा इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत सेव हुआ, ये ध्यान रखना है। अब क्या बोल रहा है, जनरल फीडबैक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जनरल फीडबैक को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया। अब बोल रहा है कि एरियल चेंज द फॉन्ट, क्या बोल रहा है, चेंज द फॉन्ट। तो फॉन्ट आपको फॉन्ट यहां से चेंज होता है, यहां पे क्लिक कीजिएगा और एरियल लगाना है, क्या लगाना है, एरियल लगाना है, एरियल ओनली फॉर एरियल, यहाँ पे है एरियल लगा दिए। उसके बाद साइज कितना करना है, 16 करना है, क्या करना है, 16 करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आप, यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, एक दो बार यहाँ पे क्लिक कर दिए एरियल पे, आप दो तीन बार आप 16 पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। फिर क्या बोल रहा है, जनरल फीडबैक को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द जनरल फीडबैक, जनरल फीडबैक को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मेरा काम है जनरल, यहाँ पे बोला जा रहा है जनरल फीडबैक को सेलेक्ट करने के लिए, जनरल फीडबैक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे दो गो टैब दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है ना, और यहाँ पे बोल रहा है ले आउट टैब, यहाँ पे यूज द ले आउट टैब, यूज द ले आउट टैब में जाना है, ले आउट टैब में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद रो एंड कॉलम ग्रुप में जाइएगा, रो एंड कॉलम ग्रुप यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है। उसके बाद करना है डिलीट रो, डिलीट यहाँ पे रो डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से रो डिलीट कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्या हुआ, अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है सारा लेआउट टाइप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है टेबल दिया हुआ है, ठीक है टेबल दिया हुआ है, हमको करना क्या है, हमें इंसर्ट करना है रो एंड कॉलम, बिलो इंसर्ट बिलो, यहाँ पे देखिए लेआउट टैब में जाना है, यहाँ पे लेआउट है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इंसर्ट बिलो, यहाँ पे लिखा इंसर्ट बिलो, यहाँ पे लिखा हुआ रो एंड कॉलम ग्रुप में, यहाँ बिलो पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक यूज द आइकन, अब यूज आइकन पे करा फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जाना है इंसर्ट, अति इंसर्ट में जाएंगे, क्या करेंगे इंसर्ट में जाएंगे और उसके बाद फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक करना है और आइकन पे क्लिक कर दीजिए और इसे क्या करिए सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सर्च करना होगा फूड एंड ड्रिंक को, इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कीजिए पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिए, नहीं तो फूड ले लीजिए, ओनली फॉर क्या लेते हैं फूड ले लेते हैं, फूड आ गया फूड एंड ड्रिंक। तो एक बार फूड सेलेक्ट कर लेते, फूड में आप ले लीजिए केक, ठीक है, इसको नहीं दिख रहा इंसर्ट इधर कर लीजिए, इंसर्ट दिखेगा, आ गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है, और उसके बाद सबमिट कर दीजिए, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि लेफ्ट एलिमेंट बोल रहा है, तो आइकन ही हमेशा पूछ, जनरल फीडबैक को हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिए। अब ये पूछ रहा है क्या लेफ्ट एलिमेंट, अब देखिए ये सेंटर में पैराग्राफ ग्रुप में जाइएगा, यहाँ पे ये पैराग्राफ हुआ है, ये लेफ्ट एलिमेंट है, ये लेफ्ट एलिमेंट, ये बीच वाला सेंटर है, अभी सेंटर है, लेफ्ट एलिमेंट कर देंगे। लेफ्ट एलिमेंट करने के बाद कहीं क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द टू रो, क्या बोल रहा है, टू रो एंड चेंज द टेबल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू रो सेलेक्ट, टू रो, टू रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में चले गए और बॉर्डर में जाना, यहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लीजिए, यहाँ से स्टाइल भी चेंज करना होगा, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और पेन से ड्रॉ कर दीजिए, सबमिट बन जाएगा।
ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। क्या बोला है? पीडीएफ बनाना है। आप लोग को पीडीएफ बनाना सीख गए होंगे, फाइल में जाना होगा, उसके बाद एक्सपर्ट में जाना होगा। एक्सपर्ट पे जाने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ बना दीजिएगा और पब्लिश कर दीजिएगा। पब्लिश करने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, सर्च टेम्पलेट, टेम्पलेट वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले वर्ड ओपन करना है, तो पहले वर्ड ओपन कर लीजिएगा। वर्ड ओपन हो गया, उसके बाद आप लोग को बताए हुए थे ट्रिक, यहाँ पे क्या कीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, कोई भी टेम्पलेट आप ले लीजिए। ध्यान रखिएगा यहाँ टेम्पलेट लिखा होना चाहिए, यहाँ टेम्पलेट लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सर्च करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, आइकन पे क्लिक कीजिएगा ये आइकन को, और उसके बाद जैसे फॉर्मेट टैब आएगा, फॉर्मेट टैब पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लू करना है, क्या करना है, ब्लू करना है, तो ब्लू कर देंगे। उसके बाद इसे क्या कीजिएगा, कट कर दीजिएगा, इसे क्या कीजिए, डोंट सेव कर दीजिएगा। फिर वर्ड ओपन कर लीजिएगा, वर्ड ओपन कीजिएगा, फिर कोई भी आइकन क्या कीजिए, इंसर्ट कीजिए, कोई भी आइकन इंसर्ट कीजिएगा। आइकन पे जाइएगा, यहाँ से आइकन ले लीजिएगा, कोई भी आइकन ले लीजिए, यही आइकन ले लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। फिर फॉर्मेट खुलेगा, फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से ब्लू कलर लगा दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं, सबमिट कर दीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। इसमें थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ा, क्योंकि दो बार हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ा, इस कारण से बन जाएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। फिर आते हैं हम लोग सिमुलेशन क्वेश्चन बनाते हैं। सिमुलेशन पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिमुलेशन क्वेश्चन। अब देखिए आज हमें कितना मिनट दिया है, 9 मिनट दिया है, सॉरी आज हमें 10 मिनट दिया है। तो हम लोग सिमुलेशन को अच्छा अच्छे तरीके से समझ समझ के बनाएंगे। अब यहाँ पे टिक क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो का निशान, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक, ठीक है, क्लिक ऑन द राइट आइकन्स, ठीक है, एडिटिंग हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आइकन लेना है, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक, इंसर्ट में जाइएगा, आइकन पे क्लिक कीजिएगा, हेडर, हेडर पे क्लिक कीजिएगा पहले, उसके बाद बोला एडिटिंग हेडर, एडिटिंग हेडर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इंसर्ट में आइकन पे जाना है, ठीक है, आइकन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ सर्च वाला दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिएगा, फूड एंड ड्रिंक आ गया ना, और फूड एंड ड्रिंक दोनों एक साथ में है। ये वाला को हमको सेलेक्ट कर लेंगे और उसे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इसको कट कर दीजिए, इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इजी आराम आराम से थोड़ा बनाएंगे, और क्योंकि मेरे पास टाइम है। अब ये बोल रहा है क्या कि ये फूड एंड ड्रिंक जो किए इंसर्ट किए हैं उसका क्या करना है, कलर चेंज करना है, क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो आप कहाँ पे जाना होगा कलर चेंज करने के लिए, फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज कलर पूछ रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड वंस, तो यहां से आप कलर मत लीजिए, नीचे से यहां से ऊपर वाला क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, अभी नहीं बना है क्वेश्चन, फिर इसमें एक चीज और करना है, करना है अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर। अब यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर होम पे जाइएगा और सेंटर यहाँ पे बीच में कर आपका पैराग्राफ ग्रुप में जाकर के करिएगा तो ये बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आया, उसके बाद आया है चालू कीजिएगा। अब इसे क्या करना है, रो एंड कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, तीसरा नंबर, एक दो तीसरा नंबर, यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नहीं क्लिक कीजिएगा तीसरा नंबर पे तो आपका नहीं बनेगा, तीसरा नंबर यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका लेआउट में आना है और डिलीट ऑप्शन में जाना है, डिलीट ऑप्शन में जाइएगा, उसके बाद क्या करना है, हमें रो को डिलीट करना है, तो रो पे क्लिक कर दीजिए, तीसरा नंबर एक डिलीट करना, मतलब तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट मारना था, ठीक है। इस तरह से हम मेरा बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया, अब कॉपी करना है, तो यहाँ इस पे सिलेक्ट कीजिएगा। अब बोला यस नो को क्या करना है, कॉपी करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कीजिएगा, सेकेंड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस पे पेस्ट कर दीजिएगा, अभी कॉपी पेस्ट वाला आपका क्वेश्चन बन गया। इस तरह से हम लोग का बन गया ये।
अब आते हम लोग बनाएंगे इंटेस्ट। इंटेस्ट पे क्लिक करते हैं और इंटेस्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट करते हैं, इसका लगाएंगे 2 नंबर, उसके बाद 3रा नंबर लगाएंगे, उसके बाद आप लोग लगाइएगा 4 नंबर, उसके बाद आप लोग लगाइएगा 2 नंबर। 2 नंबर यस कीजिएगा, आपका ये कंप्लीट हो गया।